दोस्तों आज बात करेंगे बुध देव के लिए। बुध देव अगर आपकी कुंडली में नीच का है, अर्थात कुंडली में अगर आपका बुध 12वें घर में है तो वो नीच का कहा जाता है। अगर बुध आपका नीच का है और आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बुध से लेकर बुध से रिलेटेड चीज़ों का, तो आपको बुध के लिए उपाय करना है। पहला उपाय यह है कि आपको बुध का यंत्र 41 दिन तक धारण करना है, जैसा अभी तक मैं बताते आ रहा हूं, और 42वें दिन उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दूसरा उपाय आप क्या है, बुधवार के दिन अगर बच्चों को आप केले बांटते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही फलित सिद्ध होता है। दोस्तों तीसरे उपाय से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल को बजाना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आइए तीसरे की बात कर लें, गाने बजाने का यंत्र किसी पाठशाला में अगर आप बुधवार के दिन देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप स्कूल में, कॉलेज में, नाट्यशास्त्र में, किसी सोसाइटी में, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर आप बुधवार के दिन इनमें से कोई यंत्र गाने बजाने का देते हैं तो आपको बहुत ही फलित सिद्ध होने वाला है। चलिए चौथे उपाय की बात कर लें, बुधवार पशुओं को हरी घास व चारा डालना ना भूलें। अगर आप बीमार हो रहे हैं बुधवार के दिन, आपको ये जरूर अपनी वेट के साइज का आपको गौशाला में जाना है और चारा और घास जरूर डालना है। चलिए पांचवें उपाय की बात कर लें, बुधवार के दिन किसी हिजड़े को हरे कपड़े दान देंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो बुधवार होता है वो हरी चीज से रिलेटेड होता है। अगर हरी घास, हरा चारा और हरे कपड़े अगर आप ये दान करते हैं हिजड़े को तो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। चलिए छठे की बात कर लें, साबुत मूंग किसी धर्म स्थान पर गुरुद्वारे में दे दें, मस्जिद में दे दें, मस्जिद में दे दें आप, या किसी अनाथ आश्रम में दे दें तो वो आपके लिए आशीर्वाद के फॉर्म में आएगा। बुध देव का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सातवां उपाय क्या है, हरे रंग की बोतल में, बोतल कैसी लेनी है, हरा, क्यों कहा गया हरा, क्योंकि बुध देव का जो प्रतीक है वो हरा रंग है। हरे रंग की बोतल में गंगा जल डालकर पीपल के पेड़ पर टांगना अथवा निंजन स्थान में दबाना, पीपल के पेड़ पे भी आप टांग सकते हैं हरे जल, हरे बॉटल के अंदर अगर आप गंगा जल को डालते हैं, या फिर निंजन स्थान पे आप दबा देते हैं उसे, तो वो उससे आपका बुध जो है वो मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई चीज हमारे उपायों में से समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको कोई और भी उपाय पता है, अगर आपको किसी ने बताया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हमसे क्लैरिफाई आप कर सकते हैं, हम जरूर आपको बताएंगे क्या ये उपाय आपके लिए सार्थक है या नहीं है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सवाल है आप वहां पे हमें पोस्ट कर सकते हैं। चलिए आठवें उपाय की बात कर लें, भांग सिगरेट का प्रयोग नहीं करना। ये तो आप मान के चलिए, जो भी ग्रह आपका खराब है उस दिन भांग सिगरेट मदिरा मीट मांस मक्खी ये कुछ नहीं आपको खाना है, इसका प्रयोग आपको वंचित रखना है, इसे दूर रखना है अपने आप से। चलिए नवे उपाय की बात करें, हरे रंग के वस्त्रों पर्दों को घर में प्रयोग नहीं करना है, ना तो आप अपने शरीर पर वस्त्र डालें हरे रंग का और ना ही घर के जो पर्दे हैं वो भी हरे रंग के नहीं होने चाहिए, आपको हरे रंग से अवॉइड करना है और इसके लिए यही एक सिंपल तरीका है। चलिए दोस्तों ये तो था बुध से रिलेटेड सारे के सारे उपाय, और भी बहुत सारे उपाय हैं, आप पंडित जी से पूछ सकते हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं। ये तो हमारे उपाय थे, हमने सोचा कि आपको सिंपल तरीकों में बताया जाए जो उपाय आप कर सकें। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि आपके नव ग्रहों में से कौन सा ग्रह खराब है, ये तो मान के चलिए जितने भी संसार में आदमी हैं उनका कोई ना कोई ग्रह जरूर खराब होता है, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम करता है। अभी हम उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो कि इस ज्ञान के, इस शास्त्र के खिलाफ हैं। जिनको विश्वास है वो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम उन्हें जरूर बताएंगे कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो वीक है, और आप वीडियो तो हम बना रहे हैं, आप इनमें से कोई भी वीडियो देखें, जो भी घर आपका वीक है आप उससे रिलेटेड उपाय कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें और इस बेल को बजाना ना भूलें ताकि वीडियोस लोगों तक पहुंचे और सबका भला हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।